थर्ड प्रॉब्लम बोर्ड पर ये रहा, क्या है? थ्री चार्जेस ईच ऑफ 5×10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड, थ्री चार्जेस ईच ऑफ 5×10⁻⁶ कूलम आर प्लेस्ड कहाँ? एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल माने तीनों साइड्स इक्वल हैं। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड इज गिवन 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 μC प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। आपको फोर्स निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। नाउ यू हैव थ्री चार्जेस, थ्री चार्जेस मींस यू हैव टू फाइंड थ्री फोर्सेस, थ्री चार्जेस ए पर, बी पर और आपका सी पर। देर आर थ्री चार्जेस ईच ऑफ 5×10⁻⁶ और सेंटर्ड, सेंट्रॉइड भी कह सकते हो, सेंटर ओ पर 1 μC का चार्ज है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो यह ए पर जो चार्ज है वो इसको एफ फोर्स से रिपल करेगा। चार्ज की जगह क्यू 5×10⁻⁶ और डिस्टेंस ए से ओ का। इसी तरीके से बी पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज है, तो इस चार्ज से 1 μC पर, तो चार्ज और डिस्टेंस बराबर है और दोनों चार्ज बराबर हैं पहले ही जैसा, तो इस पर फिर एफ लगेगा। सी पर जो चार्ज है उतना ही चार्ज है, उतना ही डिस्टेंस है, वही चार्ज μC, तो इस पर भी एफ फोर्स लगेगा। तो देयर विल बी थ्री फोर्सेस एंड ईच आर इक्वल टू एफ, और इनके बीच कितना बनता है एंगल? 120। ये एंगल आपका 120 बनता है। तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लें। जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड एफ एट 120 डिग्री, तो सिंपल कैलकुलेशन से ये एफ डैश इक्वल टू एफ आएगा। इन दो फोर्सेस एफ और एफ का रिजल्टेंट आपका कितना आएगा? एफ ऊपर की ओर, और यहाँ पर एक एफ और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि ए से लगता है। तो इस तरीके से अब आपका एफ डैश एफ के बराबर होगा। तो नेट फोर्स ऑन 1 μC चार्ज एफ विल बी इक्वल टू एफ माइनस एफ इक्वल टू 0। तो ये याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको एक कहीं न कहीं यूज में आएगा, या एक नंबर का क्वेश्चन भी हो गया कि अगर चार्जेज इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है ट्रायंगल के सेंटर का, तो नेट फोर्स आपका 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया कि नाउ नोट द थ्री फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड मीट एट वन पॉइंट एट 120 डिग्री एंगल विद ईच अदर, द रिजल्टेंट विल बी 0, द रिजल्टेंट विल बी 0, द रिजल्टेंट विल बी 0। तो ये क्वेश्चन हो गया।